वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट जो है वो है 30 नवंबर, और 30 नवंबर के आर्टिकल्स को देखते हैं, डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मंथली वीकली सारे करंट अफेयर्स को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, डेली के तो है ही आपके सामने, डेली वाले तो करने ही करने हैं करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो आपके और इसके अलावा वाले भी वीकली और मंथली हम अपलोड कर रहे हैं उनको भी साइड बाय साइड फॉलो अप करना है। ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हो जाती है, तो आप इसको भी फॉलो करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखिए, ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हरियाणा में रिजर्वेशन का लॉ आया है, उस पर पढ़ेंगे। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस, IMF बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरकास्ट, इसमें IMF का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर अप कर लेंगे। और फिर एनिमल क्रुएल्टी और चाइल्ड अब्यूज, ये टॉपिक एक्चुअली न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उसको देखेंगे। फिर इसके बाद मीथेन एमिशंस, COP28 क्योंकि वो शुरू हो चुका है तो उसके बारे में भी डिस्कशन करें। सबसे पहला आर्टिकल हरियाणा की एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन का लॉ है, जिसमें अभी 2021 में एक लॉ आया था कि जितना भी यहाँ पर 75% आरक्षण दिया जाएगा निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए, ये वाली चीज जो है हरियाणा में लेके आई गई थी 2021 में। और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, वहां पर इसके ऊपर सुनवाई की है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है यहाँ पर कि ये जो पूरा 75% रिजर्वेशन दिया जा रहा है हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में, उसको यहाँ पर असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ दिख रहा है। तो ये है पूरा एक रिजर्वेशन का लॉ जो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। तो अब हमको पहले तो ये वाला पूरा लॉ हमको समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से एक पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, मतलब हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये चीज यहाँ पे लागू करी थी, रिजर्वेशन की पॉलिसी कह लो। तो उसके लिए ये प्राइवेट सेक्टर है और ये कोई पब्लिक सेक्टर नहीं, ठीक है, पहली चीज। तो ये जो पूरा लॉ है इसको पूरा यहाँ पर अब स्क्वैश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये पूरा जो एक वर्डिक्ट दिया है, ये हाई कोर्ट के जस्टिस GS सांधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन द्वारा दिया गया है, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप पढ़ोगे तो उस तरीके से, ठीक है। इस पर काफी सारी पिटिशन साइन थी कोर्ट के पास, और इसी वजह से कोर्ट ने फिर यहाँ पर इसके ऊपर बात करी है। ये जो पूरा लॉ था रिजर्वेशन का, ये नवंबर 2020 में जो है हरियाणा की जो विधानसभा है, हर स्टेट की अपनी विधानसभा होती है, तो हरियाणा की विधानसभा ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स के ऊपर बिल पास करा कि, और ये बोला कि 30,000 से कम की सैलरी में काम करने वाले जितने भी होंगे उनको 75% का आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। और इसको 2021 में गवर्नर का मिल गया और जनवरी 2022 में इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया गया, ठीक है। ये उन जॉब्स के लिए जो कि सैलरी 30,000 तक आती है, ठीक है। और इसके चक्कर में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एडवोकेट या बहुत सारे एडवोकेट पहुंच गए कोर्ट में इस पूरे को लेकर के, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से जो पूरा लॉ है ये वाला, ये सारी प्राइवेट कंपनीज, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप कंपनी सब पे अप्लाई होता है, जहां पर भी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा में, तो इस तरीके से पूरा बिल वहां तक पहुंच गया और इसी वजह से इस पूरे के ऊपर केस बन गया था। तो ये था पूरा केस। अब यहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट वर्ड लिखा था ना, इसका मतलब ये है कि जो हरियाणा में पिछले 5 साल से रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसके पास हरियाणा का, वो पहले से ही उसका जन्म हुआ हो वहां पर। इसका बेसिक मतलब है कि जो हरियाणा में लोकली रह रहा है, ठीक है, वो पोर्टल पे जो हरियाणा का है वहां पर रजिस्टर्ड हो, और अगर कभी भी ऐसा गलत पाया जाता है कि भाई उसने गलत तरीके से ये चीज करी है, तो उसके ऊपर आगे जो है वो
जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे कि फरीदाबाद वाली बताई मैंने आपको, उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया कि ये तो भाई आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन है। 14 यहाँ पे कहता है हमारा आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, है ना, तो इक्वालिटी का, और 19 जो है राइट टू फ्रीडम, इनका तो ये वायलेशन हो गया ना। इक्वालिटी यहाँ पर कहता है कि भाई सब इक्वल हैं, रिजर्वेशन नहीं है। 19 है फ्रीडम ऑफ चूजिंग प्रैक्टिसेस, ऑक्यूपेशन वगैरह, तो इससे तो सब कुछ यहाँ पर जो है, एक 75% अगर हरियाणा में रिजर्वेशन हो गई हरियाणा के पीपल की, तो बाकी जो लोग इंडिया के और स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अगर कि अगर हरियाणा में वर्क करना चाहे तो दैट विल नॉट बी अलाउड। सो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 तो ऑब्वियसली इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन तो यहाँ पे हो ही रहा है, आर्टिकल 15 का भी हो रहा है। तो इस तरीके से वायलेशन की वजह से हरियाणा की सरकार ने भी अपना यहाँ पर एक बात करी। हरियाणा की सरकार का ये कहना था कि भाई कि हमारे जो लोग रहते हैं स्टेट में, हमको तो उनसे मतलब है क्योंकि तो हरियाणा के सीएम हरियाणा के हैं स्पेशली, तो वो अपने स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई हरियाणा के लोगों के पास जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ये चीज करनी पड़ रही है ताकि किसी और स्टेट के लोग यहाँ पर आके जॉब ना लेके जाए। तो उन्होंने अपनी ये बात ये वाली बोली, उन्होंने बोला कि हमारे पास आर्टिकल 16(4) के तहत ये अलाउड है कि आप गवर्नमेंट जो है वहां पे लिखा है ना, स्टेट यहाँ पर ये काम कर सकती है गवर्नमेंट जॉब्स में या इन सब में क्रिएट कर सकती है। तो उन्होंने अपना तर्क दिया, अब जो कोर्ट है उसके तक केस पहुंच गया, हर एक हर कोई अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई कोर्ट ने भी यही बात बोली कि भाई ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, और हमारे पास पूरा अलाउड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर कोई पर्सन किसी भी जगह पे बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड को प्रैक्टिस कर सकता है, साथ ही साथ किसी भी स्टेट में जाकर के वो परफॉर्म इसको कर सकता है। आर्टिकल 35 में भी ये बात लिखी है। तो बेसिकली इस चीज में हर तीनों चीजों का अपना अपना टिप्पणी है, लोगों की अपनी टिप्पणी है जो इसके अगेंस्ट मूव करे कोर्ट में, कोर्ट का अपना कहना है, कोर्ट का अपना यहाँ पर ये कहना है भाई कि जो हाई कोर्ट है उसके अपनी यहाँ पर टिप्पणी है, उसके अलावा जो हरियाणा की सरकार है उन्होंने अपनी बात की। तो बेसिकली यहाँ पर सबकी अपनी अपनी टिप्पणी होने की वजह से एक पूरा ये वाला लॉ इस तरीके से न्यूज में आ गया, और फाइनली कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ गया है कि ये चीज वायलेट कर रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली इसको डिनाई कर दिया है, समझे भाई। तो ये था हमारा एक पूरा आर्टिकल आज, तो आपको क्लियरली एकदम दिमाग में रखना है हरियाणा में क्या रिजर्वेशन का बिल चल रहा है। ये बेसिकली एक न्यूज है, ठीक है, इसमें वायलेशन किसका है ये पूछा जा सकता है, लोकल कैंडिडेट वर्ड इसका मीनिंग क्या है, ये किसको रेफर कर रहा है, 5 साल में से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, कुछ इस टाइप की रेफरेंस, तो ये सब रेफरेंस इसमें पूछी जा सकती है। देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, वो है बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना, स्टेट को, ठीक है, बिहार अभी तक स्पेशल स्टेटस में नहीं आती है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में यह आता है भाई कि आप कोई स्पेशल में हो ना, स्पेशल का मतलब यही है कि आपने आपकी जो एरिया है, ठीक है, आपका एरिया जैसे बॉर्डर को टच कर रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, क्यों, क्योंकि वो बॉर्डरिंग एरिया था। तो उस तरीके से ही किसी एक स्टेट में ज्योग्राफिकल, चाहे बॉर्डर से बॉर्डर टच कर रहा हो किसी दूसरी कंट्री के साथ, या सोसाइटी में या इकोनॉमिकली कुछ वो इस तरीके का डिसएडवांटेज्ड हो, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें यही है मेन बात, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती हो, जनजातीय आबादी, पिछड़ापन ज्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर कर रहा है, इन सब में, तो यहाँ पर ये इन जो जितने भी यहाँ पर ये इस तरीके स्टेट्स होती हैं इनको स्पेशल यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है प्रोग्रेस करने। तो वही बात है कि स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स है यहाँ पर उसी के ऊपर ये बात है कि चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के, वो इस चीज पर डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को अलग से एक स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत है। तो बिहार यहाँ पर अलग से एक स्पेशल स्टेटस दो और अलग से ट्रीट करो, ऐसा बोला है। तो ये जो बिहार है, पहले थोड़ा सा बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार स्टेट है, ईस्ट में पड़ता है, और गंगा रिवर वहां पे फ्लो करती है। निकनेम है इसका लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज बोला जाता है। साथ ही साथ जो बिहार है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो असल में 22 मार्च को हुआ था 1912 में, किससे अलग हुआ था, बंगाल से, पहले बंगाल का हिस्सा था। पटना किसकी कैपिटल है, टोटल इसमें 38 जिले आते हैं, 30
इसके जो अभी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार, राइट? सर, नाम तो सुना ही होगा आपने, जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं। और वहां के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो है तेजस्वी प्रसाद यादव, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है बिहार के वो, ठीक है? ये पहले एक क्रिकेटर भी रहे हैं। जो बिहार है, काफी बच्चे बिहार की भी सुन रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बिहार की डिटेल बता दूं। बिहार में राज्यसभा जो है उसकी सीट 16 आती है और लोकसभा की 40 सीट आती है। और वहां पर बिहार में जो, ये तो चलो लोकसभा राज्यसभा सदन के लिए हो गया, संसद के लिए, बिहार की विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसका अर्थ ये है कि भाई यहाँ पर असेंबली एंड काउंसिल बोथ आर प्रेजेंट। सो सभा, इफ आई टॉक अबाउट सभा ओनली, 75 सीट्स आर देयर बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द परिषद, मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी, सभा में है 243 सीट्स और परिषद में कम होती हैं वो है 75 सीट्स, ठीक है? पॉपुलेशन के मामले में काफी अच्छा खासा है बिहार में, वहां पे ज्यादातर मैथिली, मगही, भोजपुरी ये ज्यादातर वहां पे बोली जाती है। करीब करीब 94 पुअर फैमिली बिहार में है, इसीलिए वो स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। उनके हिसाब से यहाँ पर उनको जो है 2.5 लाख करोड़ का असिस्टेंस जो है वो जरूरी है अगले आने वाले 5 सालों के लिए। वहां पे अभी हाल फिलहाल में कास्ट सर्वे भी किया गया है, इसीलिए उनका कहना है कि बिहार में हम लोगों को जो हमारी डेमोग्राफिक्स है उस हिसाब से हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है? उन्होंने बोला है कि भाई कास्ट बेस्ड सर्वे है तो रिजर्वेशन भी हमको करना पड़ेगा, अब रिजर्वेशन करेंगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए सरकार को, तो हमें वो स्पेशल स्टेटस में डालोगे तो हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। सरकार ऑलरेडी यहाँ पर बिहार की 2 लाख इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पर हर फैमिली को देती है, 60,000 रुपए से इसको जो है बढ़ा करके फाइनेंशियल असिस्टेंस को इंक्रीज भी कर दिया गया। 39 लाख फैमिलीज को वहां पर पक्के घर दिए गए हैं, पक्के मकान हट बना के दिए गए हैं। तो स्पेशल कैटेगरी जो है उसके लिए यहाँ पर काफी सारे स्टेट्स को दिया हुआ है। क्राइटेरिया उसका यही है कि आपको सबसे पहले तो बहुत सारी जो है कारकों पे उतरना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहला आपका भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या का घनत्व, जनजाति आबादी वहां की, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगा हुआ है, आर्थिक और ढांचा आपका किस प्रकार का है, वित्तीय कठिनाई कैसी है, तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर वो होनी चाहिए, ठीक है? ये सब अगर वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करता है तो ही उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। स्पेशल स्टेटस ऑलरेडी इंडिया में 11 राज्यों को दिया जा चुका है, जिसमें से 7 तो नॉर्थ ईस्टर्न ही है। कौन कौन सी? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई? अब इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम और तेलंगाना, इन सबको स्पेशल स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ स्पेशल स्टेटस का, ये हमारे आर्टिकल नंबर 371 के तहत है, ठीक है? तो ये स्पेशल स्टेटस जो दिया गया उसमें 90% जो पैसा है उनमें जो खर्च होता है उनके वेलफेयर के लिए, 90% पैसा जो है यहाँ पर वो सेंटर देता है और बाकी का जो फंड है वो बचा कुचा वो स्टेट वहां पर देख सकता है, ठीक है भाई? पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसको यहाँ पर दिया गया था स्टेटस, उसके बाद ये हटा दिया गया। तो इस तरीके से स्पेशल स्टेटस है, अभी बिहार की सरकार यहाँ पर डिमांड कर रही है। थोड़ा सा बिहार के बारे में भी पढ़ लिया और ये भी आपको पता होना चाहिए, बिहार में जो है काफी सारी नदियां बहती हैं। बिहार में शिवालिक रेंज भी आपको देखने को मिलेगी, वहां पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वहां पे बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा। अकेला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में वो इकलौता वाल्मीकि है, चंपारण में पड़ता है। वहां पे बंगाल टाइगर की संख्या मतलब तो बहुत ज्यादा नहीं पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूरे बिहार में जो है गंडक, कोसी, बागमती, ये सब जो नदियां हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। नदियां तो और भी हैं पर ये मेन मेन बड़ी बड़ी नदियां हैं जो वहां पर देखने को मिलेंगी। बाकी बिहार में काफी ज्यादा टूरिज्म भी है अच्छा खासा, जैसे कि क्योंकि बिहार में, अकेले बिहार में ही 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा महाबोधि टेम्पल, जहां पर बुद्ध ने जो है सेल्वेशन अचीव किया था, बुद्धिस्ट साइट है वो वाली, ठीक है? तो ये हमको आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बिहार में नालंदा,
इंस्टीट्यूट, नालंदा यूनिवर्सिटी भी सुना होगा, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, वो भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। बिहार में अच्छे खासे आर्कियोलॉजिकल जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफी सारी है वहां पर। एक जो है एक डॉल्फिन सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, जहां पे गैंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत की वो आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जरा इनको भी दिमाग में रखिएगा बिहार से जुड़े हुए। तो बिहार का स्पेशल स्टेटस याद रखिएगा, और एग्जाम में स्पेशल स्टेटस का जो क्राइटेरिया है या किस किस को मिला हुआ है क्या है, ये पूछा जा सकता है। अगला आता है हम लोगों का आईएमएफ का फोरकास्ट भविष्यवाणी। आईएमएफ के फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये बोला है भारत के लिए कि 2023 और 24 में भारत का जो जीडीपी है वो काफी विकासात्मक डेवलपमेंटल होने वाला है। उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ब्याज दरों के प्रति प्रतिरोधी हो सकती है। अभी भारत के अंदर ना आय की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो बस वही एक है डेवलपमेंट की, पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है लेकिन जॉब रिजर्वेशन की वजह से प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाई यही है कि भाई गवर्नमेंट में जॉब्स को और वैकेंसीज को और ज्यादा बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। अमेरिका की इकोनॉमी भी यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अच्छी खासी चल रही है, अमेरिका के सिटीजन अपनी इकोनॉमी से कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो अब अपना जो है अपना जो पैसा है वेजेस है उसको डिमांड कर रहे हैं बढ़ाने की, ताकि इन्फ्लेशन को खत्म किया जा सके। अब गुड जॉब्स का मतलब यही होता है कि लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर और इन सबको छोड़ करके लोग और जगह पे ज्यादा मूव कर रहे हैं जहाँ पे और ज्यादा अमाउंट में पैसा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहां पे जा रहे हैं। तो जो जो जॉब्स अच्छा खासा पे नहीं करती, लोग उसको लीव करके दूसरी जॉब्स की तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ टाइम के लिए लोग इस तरीके से जो आगे बढ़ रहे हैं उसी के लिए है। तो अब आईएमएफ ने भी यही बोला है कि सरकार को भारत की और ग्रोथ करने के लिए ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ होता है कि हमारे जो मरीन इकोसिस्टम है, जो हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं, हमें उसको सैटिस्फाई करना है, उनको इम्प्रूव करना है, जैसे फिशरीज, एक्वा कल्चर, ओशन एनर्जी, इन सबको ऊपर। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ तो हमारे भारत में काफी हद तक बढ़ गई है, समावेशी विकास कहते हैं इसको। इसका अर्थ होता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट में सबको इंक्लूड करके चलना है, बॉटम से लेकर टॉप तक हर किसी को एक साथ लेकर के चलना है। डोमेस्टिक डिमांड को और बढ़ाना है, सप्लाई बढ़ानी है, इन सब चीजों को लेकर के। तो ये है एक छोटा सा आपका आर्टिकल आईएमएफ से जुड़ा हुआ, आईएमएफ जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो कि खुद यूएन की ही एक एजेंसी है, 190 कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं आज के समय में, जो कि पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में काम करती है, देखती है। 1945 में बनी थी यहाँ पर, और इसको बनाने का जो आइडिया दिया था वो जॉन कीन्स ने, आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इनका नाम जॉन कीन्स का जरूर पढ़ा होगा। तो एक जॉन कीन्स और एक हैरी वाइट, इनके आइडिया पर इसको बनाया गया था। आईएमएफ का मेजर काम होता है जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, आपने सुना होगा पाकिस्तान और श्रीलंका में जब इतना बड़ा क्राइसिस आया था, तब अमाउंट पैसा सारा कुछ किसने दिया था, किसने हेल्प करी थी, तो ये सारी हेल्प जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हेल्प करने वाले यहाँ पर कौन थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक नहीं। तो आईएमएफ का काम ही यही होता है, जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है, तब उस समय पैसा देना, हेल्प करना और स्टेबलाइज करने की कोशिश करना। लेकिन वहां की कंट्री के जब भी इकोनॉमी खराब होगी तो काफी हद तक उसके अंदर वो हेल्प भी करते हैं, इन्हें हम ये कह सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि आखिरी में पैसा इन्हीं से ही लिया जाएगा, समझे भाई। ये है हमारा आईएमएफ, तो ये थे हमारा आर्टिकल आईएमएफ से जुड़ा हुआ। अगला आता है हमारा, अभी भारत में काफी हद तक जो है एनिमल क्रुएल्टी के केसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। एनिमल क्रुएल्टी के केसेस बढ़ने की वजह से हम लोगों को ये लग रहा है कि हमें एनिमल्स के लिए और ज्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक है, और साथ ही साथ
जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो बेसिकली दो टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज में चल रहे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ मिला करके आगे बढ़ने की जरूरत है। चाइल्ड अब्यूज, बच्चों की प्रोटेक्शन, एनिमल क्रुएल्टी, एनिमल्स की प्रोटेक्शन, दोनों को एक लीगल स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी ये दोनों ही यहाँ पर इन दोनों चीजों के ऊपर ही काफी जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गर्ल चाइल्ड के ऊपर हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, इन सब के ऊपर काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है, राइट? तो चाइल्ड अब्यूज क्या 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 कारण हो सकते हैं? सबसे पहला देखो भाई, चाइल्ड अब्यूज वही कि स्ट्रक्चर सही नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी है। दोनों के बीच में डेटा यही है कि भाई देखो यही होती है क्रुएल्टी दोनों के बीच में। यहाँ पर ये एक स्टडी ने बताया है कि जहां पर चाइल्ड अब्यूज होगा वहां पर एनिमल अब्यूज भी देखने को मिलता है। तो मतलब दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि दोनों में ही प्रॉब्लम है, रिस्क दोनों में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वही चीज है, एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर ही केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको रिपोर्ट कराना जरूरी है। वही है ना, एनिमल अब्यूज इजीली दिख जाता है ना, चाइल्ड अब्यूज उतना ज्यादा दिखता नहीं है जब तक रिपोर्ट आके पर्सन नहीं करता डोमेस्टिक वायलेंस में, क्योंकि एनिमल अब्यूज को देखना पहचानना इजी हो जाता है। तो दोनों के बीच में जो लिंक है उसको और ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है, उसमें और ज्यादा देखने की जरूरत है, लिंक एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्ट भी है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 का। ये यही कहता है कि भाई एनिमल्स ह्यूमंस को हटा के सब चीजों को एनिमल्स में इंक्लूड किया जाएगा, एनिमल्स के अगेंस्ट कोई भी क्रुएल्टी प्रैक्टिस होती है तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे काम करेंगे, वेलफेयर के लिए यहाँ पर पूरा काम करने वाले हैं। AWBI, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पूरा यहाँ पर काम इसको देखिए। तो छोटा सा आर्टिकल था, इसको मेंस में ही आपको कवर करना है, इसको प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में ही बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। लास्ट आर्टिकल है अपना मीथेन एमिशंस, क्योंकि अभी आपको पता है मैंने बताया था कि COP28, COP का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 28 नंबर का समिट इसका अभी चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, दुबई में, ठीक है? अब दुबई में जो समिट चल रहा है उसकी वजह से CO2 जो है उस पे बात यहाँ पे चल रही है कि भाई जितने भी बाकी और ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउसेस हैं और जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनसे ज्यादा, ग्रीन हाउसेस गैसेस से ज्यादा में सबसे ज्यादा CO2 का एमिशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मीथेन गैस एमिशन वो भी है, मीथेन जो कि CH4 है, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, क्लाइमेट के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये जो गैस है इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है उसके लिए हमें मीथेन की मिस्ट्री है ये वाली, एक तरीके से इसी को हम लोगों को समझना है। मीथेन का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसी को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट, कि कैसे इतना ज्यादा अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रहा है इस पर, ठीक है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा तो कंट्रीब्यूट करती हैं, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फ्लड के एरियाज हो गए, राइस एग्रीकल्चर हो गए, बैक्टीरियाज हो गए वहां पर, एनर्जी सेक्टर हो गया, तो ये सब तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते ही करते हैं। ये एरियाज ही ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा होता है, एनर्जी सेक्टर में। तो ये बेसिकली आप लोगों को दिमाग में रखने सारे पॉइंट्स को, इस सबसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, राइट? इन सबसे भी डायरेक्टेड क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रीजन में क्या क्या है, तो ये सब भी आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ के जाना है, राइट? आज के क्वेश्चन देख लेंगे भाई, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, मतलब पता ही होगा आप लोगों को, और नहीं पता तो पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका सिचुएशन आपसे पूछा है, तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी है? बिल्कुल, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, बिल्कुल सही बात है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल सही बात है। सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है टर्शरी सेक्टर, ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की इकोनॉमी में। सबसे ज्यादा रेगुलेशन प्रोटेक्शनिज्म है, पब्लिक ओनरशिप है, नो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब से LPG आए हैं रिफॉर्म्स 1991 में, हमारे 8th 5-year plan में राव नरसिम्हा मॉडल के तहत जो पूरा LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन सब के बाद से हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा लिबरल हो गई है।
तो प्रोटेक्शनिज्म, रेगुलेशन, पब्लिक ओनरशिप जैसी चीजें नहीं देखने को मिल रही, तो इंडियन इकोनॉमी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वन एंड टू स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड तो आपको पता ही है ना ऑलरेडी। थर्ड स्टेटमेंट पे आप ध्यान दो, एक्सटेंसिव रेगुलेशन मतलब इतना तो नहीं, व्यापक रूप से तो नहीं आप मान सकते ना, ये बहुत भारी शब्द हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वन एंड टू इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, न्यूज में बहुत रही है, उसी के ऊपर सवाल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि इससे हमारी एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात की गई थी 2035 तक 50%, बिल्कुल सही लिखा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल रखेंगे, बिल्कुल सही लिखा है। और वोकेशनल एजुकेशन रहेगी, तीनों ही आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अपने आप में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। इसकी वजह से ये तीनों स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल सही लिखी हुई है, राइट। तो इस तरीके से आपके ये सारे जो एक स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों ठीक लिखी हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको कवर अप कीजिए, ये सारे टॉपिक्स को लर्न कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। बाकी आज का मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है इंडिया का फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अभी इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट रिजाइम है, वो क्या है, और इनके ऊपर हम कैसे नई पॉलिसीज को लाके इसको और ज्यादा डिटरमाइन कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, तो वही आप लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पर, इम्पैक्ट भी और पॉलिसीज को बैलेंस बनाने के लिए भी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। बाकी इसको जरूर हम लोग कभी क्लास में भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को एक बार आपके सामने ही है, तो एक बार पढ़ के जरूर देखिए और ट्राई कीजिए इसको, आप थोड़ा सा खुद भी लिख सको। आंसर ही लिखने वाला जो है ना, वो खुद से लिखने वाला है, तो ट्राई करो ना इसको लिखने का, एक पॉइंट को खुद से, क्योंकि लिखोगे खुद से जब तक तो ज्यादा बेटर समझ में आता है, लिखोगे नहीं तो वही बात है कि फिर समझ में नहीं आती, चीजें रह जाती हैं। तो ट्राई टू राइट द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा लिखोगे आंसर्स को उतनी प्रैक्टिस बनेगी, जब तक प्रैक्टिस तब तक लिखोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है कितने भी क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने के लिए उसका प्रॉपर, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, एक एक चीज लिखना उतना ही जरूरी बन जाता है, ठीक है भाई। सो दैट्स हाउ इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।